अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने एमपी जेल प्रहरी में फॉर्म डाला है और आप एडमिट कार्ड निकाल रहे हो तो आपका एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है। वो क्यों नहीं निकल रहा है? आप एक छोटी सी गलती कर रहे हो, तो इस वीडियो में आपके लिए क्लियर करने वाला हूँ कि वो गलती आप कौन सी कर रहे हो। आपका एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है तो आपके लिए क्रोम ब्राउजर पर सर्च करना है सरकारी रिजल्ट, और वहाँ पर आपके लिए वो एडमिट कार्ड वाले पर क्लिक करना। जैसे कि मैं आप क्लिक करके दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार से विंडो ओपन होगी। इसके बाद आपके लिए नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आपके लिए एमपी जेल प्रहरी के एडमिट कार्ड का ऑप्शन जो मिलेगा उस पर क्लिक कर देनी है। जैसे आप क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल कर आएगा, और उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके लिए क्लिक हेयर डाउनलोड एडमिट कार्ड क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से विंडो ओपन होगी, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए एप्लीकेशन नंबर डालना है अपना, और यहाँ पर नीचे डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जब आप यहाँ पर डालोगे तो, और यहाँ पर 20/7 करके आपके लिए सर्च पर क्लिक कर देना, आपका एडमिट कार्ड नहीं निकलता होगा। तो आपके लिए किस प्रकार से डालना है वो मैं आपके लिए डेट और वो डाल कर दिखा देता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर मैं अपना डाल देता हूँ, और यहाँ पर जब आप डेट ऑफ बर्थ डालते होगे तो कुछ आप इस प्रकार से डालते होगे। देखिए मैं आपके लिए दिखा देता हूँ। जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है कोई 0, जैसे कि 5/6/2000, तो आप कैसे डालते होगे कि 05/06/2000। अगर आप इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो आपका एडमिट कार्ड नहीं निकलेगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी स्लैश लगाकर। अगर आपकी 05/6/2000 है तो आपके लिए इस प्रकार से डालना है। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर स्लैश लगा होगा जिस प्रकार से, इस पर डाल, जैसे कि 05। देखिए यहाँ पर मैं डाल के, देखिए यहाँ पर मैं डाल के आपको दिखाता हूँ। जैसे कि 07 है आपकी, और आपके लिए अब लगाना स्लैश, यहाँ पर हम लगाते स्लैश, और यहाँ पर फिर आपका जैसे मंथ है 10वां, तो यहाँ पर डालिए आप 10, और इसके बाद आपके लिए डालना है स्लैश स्लैश। इसके बाद जैसे कि आपके 1990/2000 जो भी है वो डाल दीजिए। जैसे आपके मान लो 1999/90/98 जो भी है, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो। आप ये गलती कर रहे हो, अगर आप इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पर आपके लिए इस पर जो दिखा रहा है जो भी 30+2 जो भी है वो सर्च पर क्लिक करेंगे, आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपके लिए निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने अपना एडमिट कार्ड अभी यहाँ पर निकाल लिया तो मेरा तो नहीं निकलेगा। मैंने भी बहुत कोशिश की, मेरा भी नहीं निकल रहा था, पर मैंने इस प्रकार से एडमिट कार्ड मतलब वो डेट ऑफ बर्थ डाली तो मेरा एडमिट कार्ड निकल गया। तो आप भी इसी प्रकार से एडमिट कार्ड निकाल सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना, ताकि आपके दोस्तों के लिए भी जानकारी मिल सके। वो परेशान हो रहे होंगे तो उनके लिए भी एडमिट कार्ड निकल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही यूनिक एंड अमेजिंग जानकारी लिखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।